अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत से खेलना है। टीम इंडिया के लिए ये मैच आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने अभी से इंडिया को चेतावनी दे दी है। दरअसल अफगानिस्तान से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें सेमीफाइनल तक जाने के लिए भारत को हराना ही होगा। राशिद खान की टीम ने 21 रन की जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का रास्ता मुश्किल कर दिया। इस हार के बाद मार्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे पहले तो हमारे लिए चीजें साफ हो गई हैं, हमें जीतना ही है और ऐसा करने के लिए इससे बेहतर टीम नहीं हो सकती। आज का पूरा क्रेडिट अफगानिस्तान को और हम जल्दी मूव ऑन करेंगे। हार पर बात करते हुए मार्श ने स्पष्ट कहा कि अफगानिस्तान की टीम उन पर भारी पड़ी। वो बोले, उन्होंने 20 रन ज्यादा बना लिए। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने बढ़िया क्रिकेट खेली, आज हम पस्त हो गए। मार्श ने पिच का बहाना बनाने से इनकार करते हुए कहा कि दोनों टीम सेम ही पिच पर खेली थी। उन्होंने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया ने कैच भी गिराए और ग्राउंड फील्डिंग भी ठीक नहीं थी। मार्श ने कहा, हमने इसके बारे में सोचा। बहुत सी टीम्स ने इस वर्ल्ड कप में पिच समझने के लिए पहले बॉलिंग चुनी थी। ऐसा नहीं है कि हम टॉस पर ही हार गए। फील्ड में आज हमारा दिन नहीं था और हमें ये स्वीकारना होगा। हम अगले गेम में वापस आएंगे। ये आसान विकेट नहीं था, लेकिन दोनों ही टीम्स ने इसी पर खेला। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन बनाए थे। टीम के लिए दोनों ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने 85 जड़े। गुरबाज ने 60 और जादरान ने 51 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने एक बार फिर से हैट्रिक मारी। उन्होंने करीम जनत, राशिद खान और गुलबदीन नाइब के विकेट निकाले। एडम जैम्पा को 2 विकेट मिले। जवाब में ऑस्ट्रेलिया वाले शुरू से ही लड़खड़ा गए। ट्रेविस हेड का खाता नहीं खुला, उन्हें नवीन उल हक ने बोल्ड मारा, जबकि डेविड वार्नर बस 3 रन बना पाए। मैच मार्श ने 12 रन जोड़े। इनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने 59 रन की पारी खेली। वो 12 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते ऑस्ट्रेलियन रहे। मार्कस स्टोइनिस ने 11 रन बनाए। इनके अलावा बाकी पूरी टीम दहाई तक भी नहीं पहुंच पाई। नाइब ने 4 और नवीन ने 3 विकेट निकाले। अजमतुल्ला, उमरजई, नबी और राशिद के खाते में 1-1 विकेट गया। ये सुपर 8 में अफगानिस्तान की पहली जीत थी। अब इनके और ऑस्ट्रेलिया के बराबर अंक हैं। दोनों टीम्स का 1-1 मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया को भारत जबकि अफगानिस्तान को बांग्लादेश से खेलना है। अगर दोनों टीम्स अपने अपने मैच जीत गई तो फैसला नेट रन रेट से निकलेगा, जबकि हारने वाली टीम का सफर यही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।